प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को चूरू में पुलिस लाइन मैदान में सुबह 10:30 बजे करेंगे आम सभा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्राराम गुरी ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को चूरू आएंगे। यहां वे पुलिस लाइन मैदान में लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में आम सभा करेंगे। आम सभा की तैयारियों को लेकर भाजपा पदाधिकारी जोर शोर से लगे हैं। मोदी की विशाल जनसभा को लेकर पुलिस लाइन मैदान में एक बड़ा डोम लगाया गया है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्राराम गुरी ने बताया कि PM नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे चूरू पहुँचेंगे, जहाँ पुलिस लाइन मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि जनसभा को लेकर 1050 बाय 300 स्क्वायर फीट में जर्मन हैंगर डोम लगाया गया है। वहीं 64 बाय 40 स्क्वायर फीट का स्टेज होगा, जिसकी ऊंचाई करीब 8 फीट रहेगी। मोदी की जनसभा को लेकर चूरू लोकसभा में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। SP जय यादव ने बताया कि मोदी की सभा को लेकर सभा क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन रहेगा। इसके अलावा ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि चूरू में सरदार शहर रतनगढ़ की तरफ से जाने वाले, चूरू से होते हुए राजगढ़ रोड और झुंझुनू की तरफ जाने वाले बड़े वाहनों पर चूरू में आने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। छोटे वाहन पंखा सर्किल से सुभाष चौक, मुमताज हॉस्पिटल, नई सड़क और रेलवे स्टेशन होते हुए निकलेंगे। इस रूट से सभा में आने वाले सभी छोटे बड़े वाहन कृषि मंडी, जिला स्टेडियम में पार्क किए जाएंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चूरू के अंदर उनका आगमन हो रहा है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया जी का हौसला अफजाई करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए पधार रहे हैं। उनके आने के लिए पूरी तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी की टीम है, वो जुटी हुई है। बड़ा 1050 फुट में बड़ा डोम लगा रहे हैं। लोगों के बैठने की सुंदर कुर्सियों पर व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। सारा प्रशासन है वो सिक्योरिटी के हिसाब से साथ में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी 5 अप्रैल को पधारेंगे और पुलिस ग्राउंड के अंदर टेंट लगाया गया है। समय है वो 10:30 बजे का दिया गया है और देहातों से पूरी विधानसभा क्षेत्र से, जो 17 विधानसभा क्षेत्र है, उससे पूरे जोश के साथ लोग पधार रहे हैं। भारी जनसंख्या बल के साथ, बड़ी उत्साह के साथ मोदी जी का विचार सुनने के लिए लोग हमारे पधार रहे हैं।